भरतपुर के नगर से कांग्रेस प्रत्याशी वाजिब अली ने बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ पहुंचकर नामांकन दाखिल किया। आज अपने आवास पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ चुनावी रणनीति बनाते हुए नजर आए। वाजिब अली के आवास पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद हैं और इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने कहा कि 5 साल में कराए गए विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। नगर की जनता वाजिब अली को जिताकर फिर से विधानसभा भेजेगी। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी वाजिब अली ने कहा कि नगर का सद्भाव कभी खराब नहीं हुआ। नगर से कांग्रेस के प्रत्याशी वाजिब अली ने कल अपना नामांकन दाखिल किया है। हजारों की संख्या में उनके साथ समर्थक मौजूद थे। नगर के इतिहास में बताया जाता है इतनी बड़ी भीड़ कभी इकट्ठी नहीं हुई। आज खुद वाजिब अली मेरे साथ मौजूद हैं, अपने कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कर रहे हैं, उनसे बात करेंगे। वाजिब जी, कल आपने नामांकन दाखिल किया, बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद रहे, अक्सर ऐसा होता नहीं है नगर के इतिहास में, ऐसे पहली बार भीड़ देखी गई। धन्यवाद रवि जी। असल में लोगों को बहुत उत्साह था और लोग इंतजार कर रहे थे इस दिन का। जिस हिसाब से 5 साल सरकार ने काम किए हैं और नगर की जनता को आवाज़ मिली है विधानसभा के अंदर, उनकी ज़रूरतों को अटेंशन मिली है और सरकार ने बहुत एक परिवार की तरह जो है नगर को ग्रो किया है इन पिछले 5 सालों में। मैं यूँ कहूँ कि ये गोल्डन एरा है नगर के लिए। अगर आप कंपेयर करोगे इंफ्रास्ट्रक्चर से, कॉलेज से, स्कूल से, तहसील से, थाने से, हॉस्टल से, तो निश्चित तौर पर जनता के मन में बड़ा उत्साह था कल जो है। पर वो अपना आशीर्वाद देने हजारों गाड़ियों के साथ और हजारों मोटरसाइकिलों के साथ जो है जनता वहाँ पहुँची और नगर के इतिहास की सबसे बड़ी अब तक की नामांकन रैली ये हुई और मैं मानता हूँ कि आने वाले वक्त में भी ऐतिहासिक जीत नगर में होगी। कहते हैं कि लोकतंत्र में भीड़ जिसके पास है राजस्थान की विधानसभा में सत्ता में पहुँचने का एक रास्ता भीड़ होती है और लोकतंत्र में कल आपने वो भीड़ दिखाई है। क्या ये नहीं 5 साल में जो आपने विकास कार्य कराए उसके एक जनता ने कल मोहर लगाई? निश्चित तौर पर जनता ने उनको आशीर्वाद के रूप में जनता वहाँ देने आई और जनता आज अपना फर्ज मान रही है कि जो सरकार ने हमारे लिए काम किया है, गरीबों के लिए काम किया है, बच्चों के लिए काम किया है, छात्रों के लिए, बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, तो निश्चित तौर पर जनता अपने अपना आशीर्वाद देना चाह रही है। इंतजार कर रहे कि वो दिन आए जब 25 तारीख को कांग्रेस का बटन दबे और पूरे देश के अंदर जो एक कांग्रेस मॉडल गहलोत साहब ने प्रेजेंट किया है आज उसको पूरा देश एक चैलेंज के साथ ले रहा है, बाकी सरकारें उनको चैलेंज के साथ ले रही हैं, तो कहीं ना कहीं जनता में बहुत बड़ा संतोष उन चीज़ों के लिए है और जनता मन बना चुकी है कि बहुत अच्छी तरीके से इस बार कांग्रेस सरकार रिपीट होगी। ऐसा लगता नहीं कि नगर में विपक्ष जो है उसके पास कोई मुद्दा नहीं है वाजिब अली को घेरने के लिए? आप विपक्ष के बयान सुनो, वो नगर की बात ही नहीं करते। वो तो लगता है बहुत बड़े नेता हैं तो वो तो अभी तक लगता है MP का चुनाव लड़ रहे हैं। वो भी नगर की जनता के जो मुद्दे हैं, हमारा स्कूल की बात हो, हमारे यहाँ कॉलेज की बात हो, अस्पताल हमारे अच्छे बन रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेज यहाँ खुल रहे हैं, पहली बार इन चीज़ों पे इंफ्रास्ट्रक्चर का मैनेजमेंट अच्छा हुआ है, कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर नगर का 5 साल में अब से सबसे बेहतर रहा है, तो वो पे नगर के मुद्दे नहीं है। जैसे तिजारा में कोई वो अब गुरुद्वारे बीच में लेके आएंगे, कभी मस्जिद बीच में लेके आएंगे, कभी वो राम मंदिर की बात करेंगे, कभी सनातन धर्म की बात करेंगे, ये सारे मुद्दे नगर की जनता के मुद्दे नहीं है। हमारे यहाँ मुद्दे हैं हमारा लोकल सद्भाव अच्छा कैसे रहे, हमारे अस्पताल कैसे अच्छे हो जाएं, हमारे कॉलेजेस कैसे बेहतर हों, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, यहाँ का सद्भाव बना रहे, यहाँ कानून व्यवस्था कैसे अच्छे से काम करे, ये हमारे यहाँ लोकल इश्यूज़ हैं। हमने कई हद तक इन पर कंट्रोल किया है, उनमें कामयाबी पाई है, पर अभी बहुत काम करना बाकी है। हमारे बहुत सारे जो प्रोजेक्ट हैं वो भी पाइपलाइन में है, तो नगर की जनता से हम उम्मीद करते हैं कि वो बिल्कुल इन बातों को ध्यान में रखे, उनके बहकावे में नहीं आएगी और सही निर्णय लेगी। 5 साल जो हिंदू मुस्लिम का सद्भाव बना रहा, क्या ये एक मेन कारण रहा कि जो विधायक हैं वाजिब अली वो दोनों जो हिंदू मुस्लिम की कोई बात करता हो उनको साथ लेकर चले? हम उनके मुद्दों को टच ही नहीं करते, हम अपनी बात करते हैं, काम की बात करते हैं, जो लोगों की जो जरूरत है उनकी बात करते हैं। हम कहते हैं भाई हमारे पास और हमारी दुकान में और सामान नहीं है, अस्पताल हैं, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, तहसीलें हैं, हमारा भाईचारा है। अगर आपको लगता है कि आपके आने वाले कल के लिए इन चीज़ों की कोई भी महत्व है, अब हमारे साथ खड़े हुई है और जनता ने ये करके दिखाया है इन 5 सालों के अंदर। यहाँ इस विधानसभा में सारे जो पर्व होते हैं, ये त्यौहार होते हैं, हम सब लोग बहुत मिलजुल के मनाते हैं और इनके जो मुद्दे हैं वो सिर्फ वोटिंग वाले डे तक जीवित रहते हैं, उसके बाद वो मुद्दे की कोई वैल्यू नहीं रहती। साफ तौर पर जो विधायक हैं नगर से और कांग्रेस के प्रत्याशी वाजिब अली आप देख सकते हैं, वैसे उनके जो समर्थक हैं वो पहुंच रहे हैं और उनके साथ जो संवाद कर रहे हैं, क्योंकि वो नगर से कांग्रेस के प्रत्याशी, उनको आलाकमान की तरफ से बनाया गया है और चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसे में वाजिब अली का कहना है जो 5 साल में विकास कार्य कराए हैं वो उनका एक वो मॉडल है, उसके तहत वो गाँव में और क्षेत्र में जाएंगे और उनको विश्वास है कि जनता उनको सपोर्ट करेगी। कैमरामैन दिलीप राजपूत के साथ रवि कटारा, फर्स्ट इंडिया।